नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये भारत के लोकतंत्र से जुड़ी हुई खबर है। आज 4 जून को भारत के लोकतंत्र के पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल आज 4 जून को भारत में जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। अभी भी रिज़ल्ट पूरी तरह से आए नहीं हैं, अभी भी कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ अभी अनुमान में ही हैं, यानी कि रुझानों में हैं। दोस्तों, ये रिजल्ट ऐसे आए हैं, इसमें किसी भी सरकार को जो पहले रही है यानी कि मोदी गवर्नमेंट और जो विपक्ष में रहे हैं यूपीए और दूसरे दल, किसी को भी बहुमत नहीं हासिल हुआ है। अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि पूरी लोकसभा में 543 सीटें थीं, जिसमें 272 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन किसी को भी बहुमत हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो सबसे बड़ी पार्टी नज़र आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, और उसके पास जो अभी सीट आती हुई दिख रही हैं वो 241 सीट के आसपास आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले इलेक्शन यानी कि 2019 के इलेक्शन में इसको 303 सीट मिली थी, इस बार इसको 240-41 के आसपास की सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे नुकसान हो रहा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा भी हो रहा है। इसमें जैसे कि नुकसान वाला स्टेट है, उसमें मेनली तीन स्टेट हैं जहाँ पर नुकसान हो रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। दूसरा महाराष्ट्र, यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। तीसरा पश्चिम बंगाल, यहाँ ज़बरदस्त तरीके से नुकसान वाले स्टेट थे। और जहाँ फ़ायदा हुआ है वो स्टेट भी हैं, जैसे कि उड़ीसा। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा में भी, अभी समझ लीजिए कि चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और उसमें तो ये सरकार बनाने जा रहे हैं, वो पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं, और लोकसभा में तो क्लीन स्वीप कर दिया है। तो ऐसा समझ लीजिए कि उड़ीसा इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। तेलंगाना भी अच्छा रहा है, जहाँ इनकी सीटें बढ़ गई हैं। इवन भाजपा के लिए खुशी की बात यह है कि एक राज्य केरल है जहाँ पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीत हासिल नहीं हुई थी आज तक, लेकिन ये चुनाव पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर एक सीट मिल चुकी है। अब दोस्तों, ये तो रही बहुत ही खुशखबरी की बात, फिर भी दोस्तों अभी भी पूरे आसार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेतृत्व में जो NDA है उसकी सरकार बन जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही है, जिसके पास 240-41 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा इनके जो सहयोगी दल हैं, जैसे कि JDU जो नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, इसको भी अभी करीब 12 सीटें मिल चुकी हैं। अब ये समझ लीजिए कि 12 सीट इनकी हो गई, और 16 सीट तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP जो नायडू जी की पार्टी है, तो ये भी साथ में आ चुके हैं। ये NDA का कुनबा है, पूरा NDA के सारे घटक दल हैं। इसमें चिराग पासवान जी की भी पार्टी है जिनके पास 5 सीट हैं, हम यानी कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी है जिनके पास 1 सीट है। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है उनके पास भी सीट्स हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में रहेंगे क्योंकि वो भी NDA के साथी हैं। तो इस तरह से अगर NDA को देखें तो NDA 290 से 295 के बीच में सारी सीट्स पाता हुआ दिख रहा है। इसलिए लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार और ये तेलुगु देशम पार्टी जो ये नायडू जी की पार्टी है, अगर ये इधर उधर नहीं जाते हैं कहीं पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार बन जाएगी। जो अब ऐसा है कि अब जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही कड़े फैसले लेते थे अपने, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट हुआ करती थी, अब शायद वैसे फैसले ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब इनको दूसरे सहयोगी दलों का भी सहारा चाहिए होगा, जैसे कि TDP हो गई। अब ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है TDP,
दूसरी जनता दल यूनाइटेड JDU यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी। अब जरा सा भी अगर नरेंद्र मोदी जी इन लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ये लोग अपना समर्थन वापस ले सकते हैं इनसे, जिससे कि इनकी सरकार गिर जाएगी, तो एक ये भी रिस्क है। लेकिन दोस्तों इससे एक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है कि अब विपक्ष भी मजबूत हो गया है, पहले विपक्ष था नहीं सदन के अंदर, अब विपक्ष भी रहेगा तो सरकार भी अब मनमानी कोई फैसले नहीं ले सकती है। पहले कोई भी फैसले ले लिए जाते थे, जैसे कि गरीबों को काफ़ी महंगाई महसूस हो रही है अभी, लेकिन सरकार को फील नहीं होता कि शायद ज़मीन पर महंगाई है। अब अगर इस तरह के इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो महंगाई पे हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोल रहे, ये दो जो और सहयोगी दल हैं ये थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर रखें इस सरकार के ऊपर। बाकी ज़्यादा मजबूत फैसले तो पूर्ण बहुमत की ही गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे सरकार बनती है नरेंद्र मोदी जी की और वो कैसे चलती है, देखने वाली बात है। मैं इस पर आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ हमेशा आगे लाता रहूँगा और सरकार की अगर कुछ खामियाँ होंगी तो वो भी बताऊँगा और कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो वो भी बताऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद।